सभी भाइयों को मेरी राम राम। तो आज है मेरा डे 9 फिटनेस चैलेंज का। सो अब से 30 दिन बाद मेरी फाइट है, तो 30 दिन में सब 9 दिन तो निकल चुके हैं। सो ये पहुंचा मैं 24/7 पे ट्रेनिंग के लिए, कुछ लेने खाने के लिए। तो पहले आज मैं थोड़ा लूँगा ब्रेड और थोड़ी स्मूदी पीने के लिए। थोड़ा कुछ पीने का मन कर रहा था ठंडा सा, तो आज स्मूदी पी लेते हैं और उसके बाद चल दूँगा मैं अपनी ट्रेनिंग पर। सो मैं निकल गया अपना 24/7 से और चल दिए ट्रेनिंग पे। सबसे पहले खाई मैंने बिरयानी, ये मेरी फेवरेट बिरयानी है। भारत तो नहीं में लगाता है यार, ये एक नंबर की बनाता है, रायते के साथ पीता हूँ। यहाँ पे अपनी लड़की है ये निकिता, भारत कॉलोनी से। इसका आया गोल्ड मेडल, बिहार स्टेट में अब जाएगी नेशनल के लिए, सब जूनियर नेशनल में। तो बड़ी खुशी है जब अपने बच्चे का गोल्ड मेडल आता है फुल टीम के साथ। और आज कर दी मैंने अपनी टेक्निकल स्पैरिंग स्टार्ट। आज करे टोटल 18 राउंड। तो ये अपना लड़का है देवेंद्र नरबत उफ बिट्टू, और मैंने करी दुष्यंत के साथ, और अपने मेरे एकेडमी में और भी सभी बच्चों के साथ करी। तो अभी फ़िलहाल इन्हीं के साथ करता हूँ यहाँ पे। और अपना यहाँ से स्टेमिना सेट होने के बाद फिर चलेंगे अलग अलग क्लबों में, आएंगे स्पैरिंग के लिए। तो आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट करें जहाँ स्पैरिंग के लिए आना है। उसके बाद करिए, हमेशा मैं स्पैरिंग की बात करता हूँ, थोड़ी वेट ट्रेनिंग, ताकि मसल भी अपनी स्ट्रॉन्ग रहे। और वेट ट्रेनिंग प्लस अपना हैवी बैक स्पीड के साथ। ये सबसे पहले मैंने करा लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट। इसके 15-15 के 4 सेट करे, फिर करी स्टेपिंग। आपको करना है क्या, वेट ट्रेनिंग प्लस स्टेपिंग, वेट ट्रेनिंग स्टेपिंग, मतलब कुछ ना कुछ कार्डियो करते रहें। ये करिए जंपिंग स्क्वेट, वेट कम यूज़ करना है, रेपिटेशन ज़्यादा निकालनी है। हाई नहीं करो, कंधे पे वेट रखे, वेट ज़्यादा नहीं, 5-5 लगा सकते हो, 2.5 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, बस। ऐसा नहीं कि लगा दिया आपने यहाँ पे 25-30 किलो, फिर एक्सरसाइज वो सही से हो नहीं पाएगी और मसल्स भी टूटेंगी ज़्यादा। तो अगर आप कर रहे हो हैवी वर्कआउट, तो फिर डाइट भी उसी अकॉर्डिंग रखो अपनी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बॉइल्ड चिकन ले सकते हो, बॉइल्ड चीज़ें ले सकते हो। वेज हो तो पनीर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये करी मैंने अपनी बैक की एक्सरसाइज, और बैक की एक्सरसाइज के बाद करी लेग की एक्सरसाइज, फ्रंट पे अपनी रॉड रख के। अगर आप एक ही रॉड, आपको क्या चाहिए, आपको रॉड चाहिए, थोड़ा वेट चाहिए और डम्बल चाहिए, इतना एनफ है एक बॉक्सर के लिए। अपने ग्लव्स में उतारता नहीं हूँ जब तक मेरी पूरी ट्रेनिंग हो नहीं जाती। अपना सिंपल से स्टार्टिंग से रहें, ग्लव्स उतरेंगे ट्रेनिंग के एंड में। आदत अब ऐसी होगी ग्लब से ही अपनी रॉड पकड़ के इसी से कर लेता हूँ, पैड हो भले वेट ट्रेनिंग हो। तो ये बैक की एक्सरसाइज पूरी हुई। अब आ गया अपने पंचिंग बैग पे। तो पंचिंग बैग पे स्पीड से अपने कॉम्बिनेशन लेने हैं, स्पीड से करो लेकिन अपने माइंड में कॉम्बिनेशंस को सेट रखो। उसके बाद उतारी अपनी गमसील, उतारी अपने मैंने ग्लव्स, अपने ग्लव्स रखे साइड में, थोड़ा पानी पिया और उसके बाद चल दिया अपना, मैंने लगाए थोड़े सपाटे। एंड में हमेशा पुशअप्स लेनी है आपको, पुशअप्स और पेट की एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़नी अगर आप बॉक्सर हो, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज और ये आपके स्टमक को स्ट्रांग रखेंगे। जब भी आपको फाइट करनी है तो पेट को टाइट रखना है उस टाइम। अब पेट टाइट तो रखना, लेकिन एक्सरसाइज भी करनी है ताकि फाइट में शो ना हो कि आपको कोई अपरकट लग चुका है, वरना वो बड़ी दिक्कत होती है। इसी के साथ मैं लूँगा आप सर्विता। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।